अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क्लास सिक्स, टुडेज टॉपिक इज फ्लावर पैटर्न्स, बट हाउ टू ड्रॉ, सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट टेक योर आर्ट कॉपी, पेंसिल, बुक्स, स्केल, इरेजर, शार्पनर। आई होप आप सब ने अपनी आर्ट कॉपी में मार्जिन्स तो ड्रॉ करके ही रखी होगी। अगर नहीं ड्रॉ की है तो अब मेरे साथ साथ मार्जिन्स ड्रॉ कर लीजिए। सो ड्रॉ मार्जिन्स ऑन ऑल द फोर साइड। Now look very carefully. क्लास आज की क्लास में हम लोग फ्लावर पैटर्न ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ मेक चेक्स। फर्स्ट ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम हेयर। अगेन ड्रॉ, सॉरी आई थिंक आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा तो मैं ये डार्क पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। आई होप आप सबको अब दिखाई दे जाए। सेकेंड थर्ड सेम, इसी तरह हम वर्टिकल डायरेक्शन में भी ड्रॉ कर लेंगे। क्लास मैंने यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं दिया है। मेजरमेंट इसलिए नहीं दिया है, अगर मेजरमेंट दूंगी तो कोई फ्लावर पैटर्न आपका बड़ा होगा और कोई फ्लावर पैटर्न आपका छोटा होगा, तो किसी के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, किसी के लिए बहुत छोटा। तो इसीलिए मैंने अभी सिर्फ इतनी ड्राइंग्स ड्रॉ की हैं, मैंने इधर की स्पेस ज़्यादा छोड़ रखी है। जितने भी फ्लावर्स के बड़े पैटर्न्स होंगे वो सब हम इस साइड ड्रॉ करेंगे, जो स्मॉल पैटर्न्स होंगे बस स्टार्ट फ्रॉम हेयर। क्लास सिक्स, लास्ट क्लास में आप लोगों ने पेंसिल शेडिंग की थी, तो आज हम लोग पहले ड्रॉ करेंगे फिर सिंपल कलरिंग करना सीखेंगे, जो हम लोग फ्लावर पैटर्न्स ड्रॉ करेंगे उसमें। फर्स्ट यूज़ टू लाइट पेंसिल टोन। आप सबको पता है ना कि डार्क पेंसिल टोन यूज़ करने पर अगर बाय चांस आप कोई मिस्टेक हो जाती है आपसे, तो आप जब उससे इरेज करते हैं तो पेपर पर लाइंस नीचे रह जाती हैं, वो पूरी तरह से इरेज नहीं हो पाती हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि पेंसिल टोन लाइट यूज़ करिए। जब आपका पूरा पैटर्न पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, आपको लगे कि अब इसमें कुछ भी इरेज करने की ज़रूरत नहीं है, तब आप उसे डार्क कर सकते हैं। और लाइट पेंसिल टोन के साथ साथ आपको अपनी पेंसिल पे अपना जो हैंड का प्रेशर है वो भी बहुत लाइटली डालना है। तो क्लास फर्स्ट आपका हैंड इतना फ्लेक्सिबल नहीं है। क्लास सिक्स में आके आपको पैटर्न्स ड्रॉ करने होते हैं और पैटर्न्स ड्रॉ करने के लिए आपका हैंड ईजली मूव नहीं करता है। तो आज तो हम फ्लावर पैटर्न ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल आपको इन बॉक्स में कुछ स्मॉल फ्लावर्स के पैटर्न्स ड्रॉ करेंगे, जो आपके आगे अल्पना डिज़ाइन में और साड़ी बॉर्डर डिज़ाइन में और बहुत सारे क्या कहते हैं ड्राइंग्स बनाने में आपके यूज़फुल होंगे। तो क्लास आप भी मेरे साथ
अपनी कॉपी पेंसिल स्केल के साथ रेडी रहिए। जैसे मैं फर्स्ट पैटर्न ड्रॉ करूँगी तो आपको भी वैसे ही सेम ड्रॉ करते चलना है साथ साथ। क्लास कोशिश कीजिएगा कि आपके पैटर्न बहुत ज़्यादा स्मॉल नहीं होने चाहिए। अगर आपके पैटर्न स्मॉल होंगे तो आपको कलरिंग करने में प्रॉब्लम होगी। तो फर्स्ट पैटर्न हमारा है मैं पहले लाइट पेंसिल से यूज़ करूँगी, उसके बाद फिर मैं डार्क कर दूँगी ताकि आपको सही से दिखाई दे जाए। क्लास में डायरेक्ट पेन नहीं यूज़ कर रही हूँ। अगर मैं पेन से ड्रॉ करूँगी तो बाय चांस अगर मेरी भी कहीं मिस्टेक होती है तो मुझसे फिर वो इरेज नहीं हो पाएगा। तो पहले मैं लाइट पेंसिल टोन यूज़ करूँगी, फिर उसके बाद उसे डार्क कर दूँगी। नाउ द सेकेंड पैटर्न, सेम आपने ये वाला जो पोर्शन लिया है, ज़्यादातर ये वाला पैटर्न हम लोग स्टेम में यूज़ करते हैं, जो फ्लावर की स्टेम वगैरह होती है उसमें इस तरह की फिलिंग के लिए देते हैं। सेकेंड, पहले आपने टू पैरेलल लाइंस ड्रॉ की कर्व में, फिर सेकेंड स्टेप आपका है कि आपने उसमें में एक लीव ज्वाइन कर दी। देखिए, नाउ अगेन I drew it first, draw two parallel lines थी, उसे मैंने क्लोज कर दिया यहाँ से एंड फिर उसी में ही एक लीव, सिंपल सी लीव है, उसे ड्रॉ कर दिया। नाउ द थर्ड स्टेप, ये हमारी लीव टॉप की साइड जा रही है। जो थर्ड पैटर्न होगा हमारा, वो हमारा थोड़ा सा नीचे बेंड करेंगे हम। देखिए टू पैरेलल लाइंस हैं, कर्व लाइंस हैं, इनको क्लोज किया, अगेन छोटा सा पैटर्न ड्रॉ किया। क्लास आप डिफरेंस देख रहे होंगे, ये सिंपल है पैटर्न, सिर्फ मैंने यहाँ पे कर्व करके इसे कंप्लीट किया था। सेकेंड आपका सिर्फ ये रिवर्स डायरेक्शन में आपका एक यू था, उसके बाद फिर एक सिंपल लीव थी जो चीज़ जॉइंट हो गई थी। फिर थर्ड हमारा जो पैटर्न है, सेम हमने ये फर्स्ट वाला पैटर्न ड्रॉ किया है लेकिन बेंड किया हुआ, ठीक है। और ये आपका अपर साइड में जा रहा है और ये आपका नीचे लोअर साइड में बेंड हो रहा है। नाउ द इसकी जो लीव होगी वो हम इस तरह से ऊपर ड्रॉ करेंगे। क्लास आप देख रहे होंगे कि मेरा कोई भी पैटर्न स्मॉल नहीं है, मैं काफ़ी ब्रॉड पैटर्न्स बना रही हूँ ताकि ईजली कलर कर सकूँ। तो आप भी अपने पैटर्न्स को बहुत स्मॉल ड्रॉ नहीं कीजिएगा, फ्री हैंड से ड्रॉ करना है, बहुत ज़्यादा पेंसिल पर प्रेशर नहीं देना है। Now the third pattern. Now third pattern is complete. And the fourth pattern is क्लास मेरे साथ साथ ड्रॉ करते चलिए। इसी से ही
जुड़ती हुई हमने एक लीफ ड्रॉ करी है। नाउ द फिफ्थ पैटर्न इज, हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। अभी हमारी एक लीव है, ये हमारा बहुत ज़्यादा बेंड हो गया है। आपने पेपर को टर्न भी करके ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ द सिक्स पैटर्न इज, वापस लाके इसे ज्वाइन कर देखिए। पहले हमने एक रिवर्स फॉर्म में सी ड्रॉ किया, फिर लीफ का शेप देते हुए एक लीफ से दूसरी लीव्स को ज्वाइन करते हुए ये हमने एक बिग लीफ ड्रॉ की। बैक साइड पे वापस आए और ये वापस जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आ गए। नाउ द सेवन पैटर्न इज, ये ऊपर की साइड जाएगी और ये टर्न करते हुए हम उसको वापस ले आएंगे। फिर अगेन इससे लीव जुटती हुई इसे ज्वाइन कर। आई होप क्लास आपको ये इतने टफ नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि ये सिंपल पैटर्न है। अगर आपको ये टफ लग रहे हैं तो फिर क्लास सिक्स में आपका लेवल और भी टफ है, क्योंकि आपको वाटर कलर यूज़ करने हैं, वाटर है, ट्यूब कलर आप यूज़ करते हैं। क्लास सिक्स में आके आपके कलर्स चेंज हो जाते हैं, आप पेंसिल वाटर कलर से डायरेक्ट ब्रश पे आ जाते हैं, जिसको करना थोड़ा सा टफ होता है। तो आपको इस वाले पैटर्न में थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। पहले हम इस तरह के पैटर्न्स बना के आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। जब आप की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी और आप ईजली कलर करने लगेंगे तब हम आगे आपके साड़ी बॉर्डर पे, अल्पना डिज़ाइन पे या फिर सिमेट्रिकल डिज़ाइन पे तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आपको फ्लावर पैटर्न्स की प्रैक्टिस करनी है, फिर सिंपल कलरिंग करनी है, तब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो क्लास ये हमारा सेवन पैटर्न भी ड्रॉ हो गया। Now the eighth pattern. Same इसी के जैसे है, बस यहाँ पे आपने एक कर्व लिया था और उसी में एक लीव ज्वाइन कर दी थी। सेकेंड वाला है, यहाँ पे आपने फर्स्ट वन टाइम ही आपने सो कहते हैं टर्न किया था, लेकिन अब आगे आपको थ्री टाइम्स करना है। सेम स्टार्टिंग ऐसे ही करेंगे हम, वन टू थ्री, फिर सेम ये देखिए सेम इसी के जैसे एक लीफ ड्रॉ करेंगे यहीं से,
ये भी लाके इसमें जॉइंट हो जाएगी। प्लस इन्हीं सारे पैटर्न से लोटस भी ड्रॉ होता है। तो अब हम लोटस के लिए स्टार्ट करते हैं। जो हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड वाला पैटर्न ड्रॉ किया था, ये लोटस की जो स्टार्टिंग पैटर्न होती है ये वो है। इसी स्टार्टिंग पैटर्न से ही अब हम लोटस की कुछ पैटर्न्स और के साथ हाँ लोटस ड्रॉ करेंगे। देखिए कैसे सेम हम लोगों ने किया, यहाँ से आपने इसको क्लोज कर दिया, लोटस की पेटल ड्रॉ की, फिर आपने अपने पेज को टर्न कर उस तरह से पेज या कॉपी जो भी है, अगेन आपने लोटस की पेटल ली, वन आपने राइट हैंड साइड एंड वन लेफ्ट हैंड साइड, अगेन वो साइड आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, इससे लोटस ड्रॉ करना इजी हो जाता है अगर आपको ये इजीली अच्छे से ड्रॉ करने आ गए तो। प्लस अगर आपका हैंड इन पैटर्न्स पे सेट हो गया तो आपके लिए भी पैटर्न डिज़ाइन करना या अल्पना डिज़ाइन करना कोई मुश्किल नहीं है। नाउ द 10th पैटर्न। ये थोड़ा सा टफ हो सकता है आपको लगेगा, लेकिन अगर आप ड्रॉ करने पे आएंगे तो ये भी इजी है। सेम ऊपर जो आपने पैटर्न्स ड्रॉ किए हैं उन्हीं की तरह है ये। पहले आपने सिंपल इस तरह से कर्व लाइन दी, उसको क्लोज किया रिवर्स डायरेक्शन में सी ड्रॉ करके, नेक्स्ट एक लीफ ड्रॉ की, हाफ लीफ ड्रॉ की, फिर बॉटम से स्टार्ट करते हुए आप ऐसे जाएंगे, इसको आपने कर्व किया नीचे आए, फिर आपने लीफ का पैटर्न दिया और इसको इससे ज्वाइन कर दिया। चलिए फिर से ड्रॉ करते हैं, देखिए अच्छे से। पहले आपने इस तरह से कर्व लाइन ड्रॉ की दोनों, इसे क्लोज की, फिर रिवर्स डायरेक्शन में आपने सी ड्रॉ किया, फिर हाफ लीफ ड्रॉ करेंगे, हाफ लीफ ड्रॉ करके छोड़ देंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हुए आप ऊपर जाएंगे, यहाँ से जाते हुए आप इस तरह से टर्न करेंगे, उसके बाद फिर से लीफ का एक शेप देते हुए आप नीचे लाके इसमें जॉइन कर देंगे। नाउ द 11th पिक्चर इज सेम। अब हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, इसे भी क्लोज किया,
अब हम रिवर्स डायरेक्शन में लीव ड्रॉ करेंगे। साइड से स्टार्ट किया, अंदर गए, फिर आउटसाइड पे आए, फिर अंदर, फिर हम वापस इस जगह पे पहुंच जाइए और इस साइड से ड्रॉ करते हुए ये देखिए। पहले हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे लीफ का शेप देते हुए, ये हाफ लीफ, इसे कंप्लीट किया। फिर बैक साइड से आइए और राइट हैंड साइड पे ड्रॉ करते हुए इसे इस वाली लीफ से ज्वाइन कर दीजिए। नाउ द 12 पैटर्न। ये आपकी सिंपल लीव्स, एक स्टेम है, इस तरह से आपने स्टेम्स ड्रॉ की और इसमें इस तरह से लीव ड्रॉ करनी है। देखिए हमारे 12 पैटर्न्स कंप्लीट हो गए हैं। चलिए ये पैटर्न भी सेम आपका 11th पैटर्न जैसे ही है, बस थोड़ा सा ये से और ब्रॉड है। देखिए 2 लाइंस ड्रॉ की, उसे क्लोज किया, फिर एक लाइन से क्लोज कर दिया होल शेप में। फिर लेफ्ट हैंड साइड से पहले आएंगे, सांस टर्न करेंगे, फिर राइट हैंड साइड पे अब इस तरह से कर्व ड्रॉ करते जाएंगे। ये आपकी इक्वली आनी चाहिए, पर इक्वल नहीं आया है तो इरेज करके फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। सेम अब चलिए इसे भी डबल करते हैं। Now the last pattern, draw an oval shape,
यहाँ से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा कर्व किया, सेम इसे यहाँ से वापस लाते हुए इसे में ज्वाइन कर देंगे, फिर इसे स्टार्ट कर देंगे हम। क्लोज किया, देखिए हमारा 14th पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। क्लास आज के पैटर्न्स कंप्लीट हो गए हैं। मैंने ये 2 बॉक्स छोड़ दिए हैं, वो इसलिए छोड़े हैं क्योंकि जब हम कलरिंग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ब्रश से स्टेम ड्रॉ करेंगे, लीव्स ड्रॉ करेंगे, बस छोटे छोटे एक दो तक की आपकी डायरेक्ट ब्रश से ही। तो आपने पेंसिल से पहले ड्रॉ करी है उसके बाद क्या कहते हैं आप कलरिंग करोगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कहीं कहीं पे डायरेक्ट ब्रश से ड्रॉ करना पड़ जाता है, कुछ स्टेम्स बनानी पड़ती हैं, ग्रासेस बनाने पड़ते हैं, तो इन दो बॉक्सेस में हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो क्लास नेक्स्ट क्लास में अपने वाटर कलर के साथ तैयार रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।